गुस्सा और क्रोध दोनों में बस इतना सा ही अंतर है कि गुस्सा क्षणिक होता है, पर क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले भी आपको जलाती है, क्रोध करते समय भी जलाती है और बाद में भी जलाती है। क्रोध एक ऐसा शास्त्र है जिसके इस्तेमाल से सबसे ज्यादा हानि हमें ही होती है। यह व्यक्ति को अहंकारी और स्वार्थी बना देता है, हमारे भीतर के प्रेम को खत्म करके हमें ईर्ष्यालु बना देता है। लोग कहते हैं उन्हें क्रोध बहुत आता है, बहुत कोशिश करते हैं कि क्रोध ना आए, पर हर बार असफल हो जाते हैं। कसमें भी खाते हैं कि अब क्रोध नहीं करेंगे, पर फिर भी लाख प्रयत्न करने पर भी क्रोध बहुत आ जाता है। क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपके सबसे प्यारे रिश्ते में भी जहर भर सकता है। क्रोध से मित्रता आपके शत्रुओं की जीत के समान है। क्रोध में दूसरों के लिए कहे गए गलत शब्द क्रोध शांत होने पर आपको अपने ही नजरों में गिरा देते हैं। क्रोध सबसे पहले इंसान के मन को वश में करता है, फिर जीवन में जहर भरता है, इंसान की पूरी दुनिया में जहर भर देता है। क्रोध बरसों से चल रही समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि नई समस्याओं का जन्मदाता भी है। जो इंसान क्रोध करता है वह क्रोध करने से पहले भी दुखी रहता है, क्रोध करते समय भी दुखी रहता है और क्रोध शांत होने के बाद भी दुखी ही रहता है। जीवन में बहुत से दुखों का कारण ही क्रोध है। कभी अकेले में ये सोच के देखना क्या आपको क्रोध करने से खुशी मिली या फिर किसी तरह का सुख मिला। क्या आप ये चाहोगे कि कोई आप पर क्रोध करे? कोई भी इंसान जब किसी दूसरे के क्रोध को सहन नहीं कर सकता तो जरा सोचिए कि हमारे क्रोध को वो क्यों बर्दाश्त करेगा। क्रोध का परिणाम यह होता है कि वो लोग भी हमसे दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। क्रोध में किए गए फैसलों का अर्थ है अपने ही हाथों से अपना नुकसान करना। एक बात हमेशा याद रखना, क्रोध धुएं की तरह है, एक बादल की तरह है जो थोड़ी देर बाद अपने आप छंट जाता है, कम हो जाता है या यूं कहिए खत्म हो जाता है। बस हमें सिर्फ उस समय संयम रखना है और थोड़ी देर अपने आप को शांत रखना है। क्रोध आपके मस्तिष्क में बेड़ियां डाल देता है और आपकी जुबान पर लगी लगाम को खोल देता है। क्रोध कोई छोटी दुविधा नहीं है इंसान के जीवन में, क्योंकि क्रोध से हिंसा और हिंसा से हानि होना स्वाभाविक है। इंसान सोचता है कि मैं तो क्रोध करता ही नहीं, बल्कि लोग मुझे क्रोध दिला देते हैं। इंसान कोई कठपुतली तो है नहीं कि किसी ने इशारा दे दिया और हम उसके इशारों पर क्रोध में नाचने लगे। अरे माफ कर देना किसी को उसके माफी मांगने से पहले ही, ताकि आपके जाने के बाद भी आपका सम्मान वहां बना रहे। अगर आप अपनी पिछली गलतियों का क्रोध अपनी अगली कोशिशों पर रखोगे तो आपसे ना जाने कितनी और गलतियां हो जाएंगी। कितना आसान हो गया है आज के समय में किसी को भी क्रोध दिलाना और खुद क्रोध करना, और किसी को खुश रखना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि ये हमारी ही कमी है जो किसी भी बात का दोष हम दूसरों पर डाल देते हैं। हमारे लिए दुनिया तो नहीं बदल सकती, पर आपको फिर भी क्रोध तो आएगा ही, क्योंकि वो आपका स्वभाव है, आपके अंदर है। बाहर के लोग तो सिर्फ कारण बनते हैं उस क्रोध को बाहर निकालने के लिए। जरूरत है तो खुद बदलने की, पहचानने की, खुद को समझने की, खुद को बदलने की। क्योंकि जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाते ये क्रोध खत्म नहीं होता। चाहिए तो बस थोड़ा समय, थोड़ा संयम और थोड़े समय की शांति। क्रोध का रास्ता सिर्फ मुसीबत के पर्वतों से जाकर टकराता है। गलती और क्रोध दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। गलती करने से क्रोध आता है और क्रोध करने पर ही गलतियां होती हैं। क्रोध जिसकी शुरुआत तो आग होती है, पर इसका अंत सिर्फ राख ही होता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है। लोग कहते हैं क्रोध तो बस आ जाता है, उसे रोका नहीं जा सकता, समझ नहीं आता कौन छोटा है कौन बड़ा, कुछ दिखाई नहीं देता। पर सब गलत है, इंसान को सब दिखाई देता है, सब समझ आता है। क्रोध आप उसी पर करते हो जो आपसे कमजोर हो, आपसे छोटा हो। कभी किसी पहलवान पर क्रोध करके दिखाओ या जो आपसे शक्ति में ज्यादा हो उस पर क्रोध करके दिखाओ। क्रोध हम हमेशा कमजोर पर ही करते हैं, कभी किसी ऐसे पर नहीं करते जिससे हमें नुकसान का अंदाजा हो।
इसका मतलब तो ये है कि क्रोध भी हम अपनी पसंद से करते हैं, जहां नुकसान कम हो या बिल्कुल ना हो। याद रखिए, क्रोध इंसान की इच्छा से ही है। इंसान चाहे तो क्रोध करे और अगर चाहे तो उस क्रोध को रोक सकता है। क्रोध उस वाहन का नाम है जिस पर सवार व्यक्ति को दुर्घटना का सामना करना ही पड़ता है। अपने गुस्से की पतंग को ज्यादा ऊंचा मत उड़ने दो, क्योंकि पतंग आपकी कटेगी और मजे कोई और लेगा। हर एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। कुछ इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं। जब दिल भर जाता है तो लोग अक्सर रूठ जाया करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, पर उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास ना सही पर आग तो बुझा ही देता है। इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि छोटी होती उसकी सोच और बड़ी होती है उसकी कहानी। रिश्तों को शर्तों से और शर्तों को जज्बातों से बांधना एक यही भूल होती है जो रिश्तों को पनपने नहीं देती। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, अहंकार में रहोगे तो रास्ता भी देखना मुश्किल हो जाएगा। नाराजगी को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो, गलतियों पर ज्यादा बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो वक्त ही बताता है। कड़वा है पर सत्य है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां पर उनको नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बचाने में। मैं दुनिया से तो लड़ सकता हूँ पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीना है, जीतना नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहाँ एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। रिश्तों को शब्दों का मोहताज ना बनाइए। अगर अपना कोई खामोश है तो खुद ही आवाज लगाइए। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना वक्त पर पौधों को पानी देना। याद रखिए, इस दुनिया में आप जितना कम बोलेंगे, आपकी बातों का वजन उतना ही ज्यादा होगा। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं, फिर जिंदगी रिश्तों के साथ चलती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाते हैं, कुछ सबक रिश्ते और जिंदगी सिखा जाती है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी मुझे क्रोध बहुत आता है और उस क्रोध की वजह से सब मुझसे दूर दूर रहते हैं, और मुझे स्वयं उस क्रोध की वजह से ग्लानी और पश्चाताप बना रहता है। गुरुजी ने कहा, एक बात गांठ बांध लो कि जब भी तुम्हें क्रोध आए तो अपने आप से कहना, ये क्रोध मैं आज नहीं कल करूंगा। वह व्यक्ति बोला, इससे क्या फायदा होगा, क्रोध तो मैं फिर भी करूंगा ही। अगले दिन ही सही, पर फिर वह गुरुजी के कहने पर बात मानकर चला गया। अगली बार जब उसे क्रोध आया, उसने ऐसा ही किया, और कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि मेरे थोड़े से संयम और शांति से मेरा क्रोध टल गया। दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। खुश रहिए और खुशियां बांटिए। राधे राधे।